छोड़ दो मुझे, मैं तुम जैसी बहू को मारकर ही दम लूंगा। अल्लाह के नाम पे मुझे छोड़ दो प्लीज, मैं आपकी बहू हूँ। अच्छा हुआ अमजद आप आ गए, वरना आपके बाबा मेरी इज्जत लूट लेते। लेकिन निजाम एक कुदरत देखो बहू बेगम, 20 साल हो गए। हाँ 20 साल हो गए, इसीलिए तुम्हारी औलाद नहीं हो रही है। तुम भांज औरत हो, भांज औलाद के लिए तरस रही हो, इसलिए कि तुम अपने ससुर पर इल्जाम लगा रही हो। अरे हम तो पाक नबी का कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं। बताओ तुम्हारा खानदान क्या था, कौन हो तुम जो अपने इस ससुर पर तुमने इल्जाम लगा लिया? क्या हम आप या तुम जैसी औरतें, ना जाने इस जैसी कई औरतें हैं जो अपने आप को मुसलमान तो कहती हैं मगर इस मुसलमान नाम पर वो दब्बा है। ऐसी औरतों को उठ खड़े हो जाओ, हमारे समाज से भगा दो, इसकी शुरुआत मैं करूंगा। हाँ मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा आपको। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं आपकी बेटी हूँ, बाहू हूँ आपकी, खुदा के लिए छोड़ दो, खुदा के लिए छोड़ दो। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे दुनिया की अल्लाह के नाम पे मुझे छोड़ दो, कोई परवाह नहीं, छोड़ दो मुझे अल्लाह के लिए, जैसी बहू को मार कर ही दम लूंगा, अल्लाह के नाम पे मुझे छोड़ दो प्लीज, मैं आपकी बहू हूँ। अच्छा हुआ अमजद आप आ गए, वरना आपके बाबा मेरी इज्जत लूट लेते। काश तुम मेरे बाप नहीं होते, काश तुम मेरे बाप नहीं होते। बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ, इसी बात का तो अफसोस है कि तुम मेरे बाप हो। क्या हुआ अमजद के आप आ गए, आपने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया। हम आपका ये कब्रिस्तान नुमा घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। कभी कभी आंखें धोखा भी खा जाती है, इंसान जो कुछ सुनता है उसमें भी धोखा होता है। इस दुनिया का कोई भी ससुर अपनी बहू को मेरी निगाह से नहीं देख सकता। बहू को घर की इज्जत होती है, शान होती है, खानदान की आन होती है। इंसान जज्बात में आकर कभी कभी गलत फैसला कर देता है। मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, किसी दलील की जरूरत नहीं है मुझे। क्या बाप ऐसे होते हैं? मैं तो कहती हूँ ऐसे बाप को उठा के बाहर फेंक दो, ताकि इसका अंजाम देके कोई भी ससुर अपनी बहू को मैली निगाहों से ना देखे। मैं ऐसी गलाजत में नहीं रहना चाहती। मुझे गलाजत देखा, अपने आप को रिश्ता साबित करने वाली खलीज औरत, हमने तुम्हें अपनी बहू बनाकर ना जाने क्या क्या सपने देखे थे, लेकिन हमें नहीं मालूम था तुम हम ही पर इल्जाम लगाकर बाप और बेटे को तुमने मुझे नीच समझा। हम नीच नहीं है बल्कि तुम कसरदान से उठाई हुई वो लड़की थी जिसे मैंने बेटे ने पसंद किया और हमने तुम्हें अपने घर में बुलाया, अपनी इज्जत बनाया।
तुम दोनों हमारा घर छोड़कर जाना चाहते हो तो बड़ी खुशी से चले जाओ। तुम अपने बाप को कुछ कहते क्यों नहीं? ये बीवी का गुलाम, बीवी के तलवे चाटने वाला मुझसे क्या बात करेगा? आज मैं बोलूंगा और तुम दोनों सुनोगे। मुझे एक सवाल का जवाब दो बहू बेगम, इस घर में फ्रिज लाने की क्या जरूरत थी? और दूसरी बात यह है, 90,000 रुपए का मोबाइल लेने की हैसियत थी हमारी? और सबसे बड़ी बात और अहम सवाल यह है कि वो 90,000 रुपया किसने अदा किया? वो तो किस्तें दुकानदार ने माफ कर दी। उसने किस्तें माफ कर दी, 90,000 रुपए उसने छोड़ दिए, माफ कर दिए। मुझे एक सवाल का जवाब दो, आया वो दुकानदार तुम्हारा भाई है या तुम्हारा बाप लगता है? अगर वो तुम्हारा ना भाई है ना बाप है तो जाहिर तुम्हारे उस दुकानदार से कोई गलत मरासिम होंगे। मुंह सवाल के बात कीजिए, मैं आपकी बहू हूँ, अभी तो इस घर में मुझे एक पल नहीं रुकना है। चलो सर, ठहरो, जाने से पहले सारी जिंदगी तुम्हारे दिल में होगा कि मेरा बाप मेरी बीवी को गंदी निगाहों से देखता रहा है और हमारी बहू बेगम अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। आज मैं तुम दोनों को एक ऐसा जिंदा सबूत दिखाना चाहता हूँ जिसको देखने के बाद आप खुद फैसला करेंगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। ये लो बेटा। अब्बा, आप मेरी बीवी पर इल्जाम लगाकर क्या साबित करना चाहते हो? बेटा इसे देख लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सायरा,